हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज है संडे और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर संडे मैं लेके आता हूँ आप लोग के लिए जॉब अपडेट। इंजीनियर्स के लिए, आईटीआई के लिए और जो डिप्लोमा किए हुए हैं उनके लिए कुछ जॉब्स निकली हुई है जो आपके कैरियर को बूस्ट दे सकती है, जिसे खुद मैंने चुना है आपको बताने के लिए। और एक खास बात और, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए कोई टेक्निकल जॉब इस वीक कोई भी नहीं निकली है। तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं या पी बी टेक कर रहे हैं मैकेनिकल से, तो इस वीक भाई लोग आप लोग के लिए कोई अपडेट नहीं है। तो मैं आप लोग का डाटा वेस्ट नहीं करना चाहता, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके जरूर जा सकते हैं। लाइक जरूर कर देना क्योंकि मैंने आपका डाटा बचा दिया है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल और दूसरी पोस्ट वालों के लिए बहुत सी जॉब्स निकली हुई हैं जो करियर को बूस्ट दे सकती है, तो आपको आखिरी तक बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली अपडेट आ रही है कर्नाटका पुलिस की तरफ से, जहाँ पे कांस्टेबल और पुलिस सब इंस्पेक्टर की 583 583 पोस्ट निकली हुई है। कांस्टेबल की 419 419 पोस्ट कांस्टेबल की निकली हुई है, वहीं सब इंस्पेक्टर की 164 पोस्ट निकली हुई है। कांस्टेबल की जो पोस्ट है उसके लिए 10th वाले अप्लाई कर सकते हैं और 10th से ऊपर जिस जो भी हैं वह भी अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, जबकि जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसके लिए बस डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन कर्नाटका है, कर्नाटका में ही जॉब होगी आपकी। और 18 से 25 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, 21 से 28 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। इसके अलावा 19 मार्च लास्ट डेट है कांस्टेबल की पोस्ट की और 12 मार्च 12 मार्च लास्ट डेट है पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट की। और फॉर्म भरने की फीस 250 रुपीज़ रखी गई है और SC ST वालों के लिए 100 रुपीज़ फीस रखी गई है। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। अगली अपडेट आ रही है MP पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की तरफ से। यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस की पोस्ट निकली हुई है, यानी कि इंजीनियर्स के लिए और डिप्लोमा वालों के लिए कुल पोस्ट निकली हुई हैं 37। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए डिप्लोमा वाले, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक से जो डिप्लोमा वाले हैं उन लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप MP में रहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग MP पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से करना चाहते हैं तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 31 मार्च 2018। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। अगली अपडेट आ रही है अरुणाचल प्रदेश पावर डिपार्टमेंट की तरफ से। यहाँ पे 40 पोस्ट 40 पोस्ट निकली हुई है। 10th 12th डिप्लोमा और कोई भी डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी की बेसिकली ये पोस्ट है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट रखी गई है 29 मार्च 2018। मैकेनिकल में अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी यहाँ पे 10th रखा गया है। एज लिमिट का ध्यान रखिएगा, एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। और अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगी, जितने भी जॉब मैं बता रहा हूँ सबकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप फॉर्म भरते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अरुणाचल प्रदेश पावर डिपार्टमेंट में 10th 12th डिप्लोमा और कोई भी डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। अगली अपडेट आ रही है तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। पिछले संडे को भी मैंने बताया था यहाँ पे 325 पोस्ट निकली हुई है मैकेनिकल के अलावा हर ब्रांच के लिए। यहाँ पे पोस्ट है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, ITCS। तो अगर आप BE BTech वाले हैं तो ज़रूर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 325 पोस्ट निकली हुई है लेकिन तमिल कंपलसरी है। अगर आपको तमिल आती है तो अप्लाई कर दीजिएगा। और ये अपडेट मैं इस संडे भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है। पहले इसकी लास्ट डेट थी 28 फरवरी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 6 मार्च कर दिया गया है। तो अगर आप तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन का फॉर्म भरना चाहते हैं, BE BTech वाले हैं आप, तो आप भर सकते हैं। मैकेनिकल वालों के लिए पोस्ट नहीं है। अगली अपडेट फिर से तमिलनाडु से आ रही है। अगली अपडेट आ रही है तमिलनाडु कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ से। यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की 330 पोस्ट निकली हुई है। BE BTech सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट रखी गई है 26 मार्च 2018। यहाँ पे भी तमिल आना कंपलसरी है। अगर आपको तमिल आती है तो आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फीस है 150 रुपीज़ और एग्ज़ाम फीस है 200 रुपीज़। तो रजिस्ट्रेशन करने के समय आपको अलग से फ़ीस देना पड़ेगा, एग्ज़ाम के समय अलग से फ़ीस देना पड़ेगा। तमिल मस्ट है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 26 मार्च, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अगर आप तमिलनाडु कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विसेज का फॉर्म भरते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा और आपको इसकी लिंक मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। आखिरी अपडेट के बारे में बात करते हैं। आखिरी अपडेट आ रही है वेस्ट बंगाल PSC की तरफ से।
यहाँ पे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की 234 पोस्ट निकली हुई है, जिसके लिए डिप्लोमा ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस मंगा है। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है ऑटोमोबाइल फील्ड में या मैकेनिकल फील्ड में, और अगर आप डिप्लोमा किए हैं, तो आप WBPSC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने की फीस है 160 रुपीज़, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट रखी गई है 19 मार्च 2018। इसके अलावा BMRC यानी कि बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में भी एक्सपीरियंस बेसिस पर जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की 10 पोस्ट निकली हुई है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो भाई लोग, यही थी कुछ अपडेट जो मैं आज आपको बताना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना भाई लोग, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं। जय जवान, जय किसान।